तो वही पुश करता है कि नहीं तुम ये कर सकती हो, तुम वो कर सकती हो, तुम ऐसे खुद को अंडर करती हो, तो वो हर चीज़ मेरी देखता है, फिर उसको पुश करता है कि करो, तो करती हूँ तो हो जाती है बस। मगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पता है यूजुअली मियाँ जो होता है वो जेलस हो जाता है अगर एक आर्टिस्टिक और या एक आगे बढ़ रही हो औरत, एंड आपका सपोर्ट है, शानी आपका एक सपोर्टिव हस्बैंड है, बहुत कभी जेलस नहीं हुए? नहीं 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 बिल्कुल भी, हमारा तो इट्स लाइक बहुत, यू आर अ टीम, बिल्कुल हमेशा से, वी बीन टुगेदर सिंस 20 इयर्स, तो माशाल्लाह अब तो हमें, यू हैव किड्स? जी जी दो बेटियां हैं मेरी। अच्छा, दो बेटियां हैं, एक बेटी 12 साल की है और दूसरी 5 साल की है। तो वो कैसा लगा था जब बेबी पैदा हुआ था? वो तो एक आप एज अ मदर आप जानती हैं, वो एक डिफरेंट एक सारा फीलिंग्स होती हैं, और आपको लगता है कि आप बड़े हो गए हैं और आप पे जिम्मेदारियां आ गई हैं, आपको मौत से डर लगना शुरू हो जाता है, उससे पहले आप निडर होते हैं, आप कुछ नहीं देखते, तो वो एक डिफरेंट फेज था बिल्कुल। और बड़ी प्यारी बच्ची है। कितने फ़र्क है दोनों में? 6 साल का। 6 साल का। जी 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 क्योंकि अब काम करती थी ऑफ कोर्स, तो क्या नाम रखे हैं दोनों के? बड़ी वाले का नाम अमतुल्ला है, छोटी आनिया। अमतुल, अमतुल्ला, अमतुल्ला, इट्स अ वेरी ओल्ड नेम। कितना मेरा गंदा नाम आपने रखा है, तो ये किसी का नाम नहीं होता। तो उसका क्या पेट नेम है? उसको अमतुल्ला ही कहते हैं, अमतुल्ला ही कहते हैं, अमतू कह देते हैं ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, तो वो क्या बन रही है दोनों? अच्छा, वो हर रोज एक कुछ नया बनना चाहती हैं। पहले वो आर्टिस्ट बनना चाहती थी, फिर मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती थी, फिर फोटोग्राफर बनना चाहती थी, आजकल वो स्टिक हुई है कि मैंने एक्ट्रेस बनना है, सो लेट्स सी। अच्छा, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। तो अब कुछ करेंगी आप उनको, उनको ऐसे मतलब फ्लो करने देंगी जहाँ मर्जी जाएं? बिल्कुल, हम एक्सपेरिमेंट करें। हाँ बिल्कुल, ज़्यादा कुछ नहीं गाइड करते, इतना गाइड करते हैं कि क्या हमारे लिमिटेशंस हैं या कैसे काम करना चाहिए, राइट रॉन्ग क्या है, बाकी आप सब कुछ करें, हर चीज़ अच्छे तरीके से हो सकती है, इसमें कोई। सो मैनेज कैसे किया आपने अपना सारा काम भी और बेबीज़ भी और घर भी? हाँ, बहुत मुश्किल से शुरू में बहुत मुश्किल लगता था, अब तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल नम हो गई हूँ और मुझे बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है, अब नहीं पता चलता। और इतने सारे लोग, इतने सारे, इतना बड़ा बिजनेस, और शानी की फैमिली इतनी बड़ी है और सब माशाल्लाह बहुत मिलते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि वो आपस में मामी और ताई और वहाँ तक आगे कजिन्स तक मिलते हैं अभी। So do you cook? Yes. You cook? But not daily. हाँ, कभी कभार जब गेस्ट आए हों तो फिर पकाती हूँ ज़रूर, लेकिन डेली नहीं, पहले दिन ही बल्कि शानी ने किचन में जाने से रोक दिया था कि खबरदार ये काम नहीं करना, कि जितना तुम पढ़ के आई हो या जो टैलेंट है उसको आपने ज़ाया नहीं करना इस तरह से। तो वो ठीक है, कभी कभार पकाना है तो पका लो, बट ये काम किसी और का है वो कर सकती है। सो आप इस टीम में, गुड्डो शानी की जो टीम है, इसमें आपका क्या रोल है और शानी का क्या रोल है? वो फोटोग्राफर है? वो फोटोग्राफर, वो इज अ मोर ऑफ टेक्निकल साइड पे। अच्छा, और मैं एस्थेटिक्स, वो लेंस के पीछे, और आप तो ये मेकअप जो आप करती हैं, ये आपने कहाँ से सीखा था? ये भी बस क्योंकि पेंट तो वैसे करते थे, पेंटिंग की हुई थी, तो ब्रश पकड़ना तो आता था ऑफकोर्स, और पेंट से ड्राइंग भी की थी और एनाटॉमी का भी सारा पता था, तो थोड़ी सी फेस को कैनवस समझ लिया, फेस को कैनवस समझ लिया, और शुरू में बस थोड़े से मेकअप्स लेके उनको कॉपी करना शुरू किया। तो किसी से ट्रेनिंग की कहीं गई? नहीं, कहीं नहीं गई, एक मेकअप आर्टिस्ट था केविन ऑकिन मेरा ख्याल से का नाम था, तो वो उनकी बुक मैंने पढ़ी थॉरली, उसके बाद फिर मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया, और माशाल्लाह पहले ही साल आई वाज नॉमिनेटेड इन लक्स, सेकंड ईयर आल्सो, उसके बाद फिर एक साल बाद छोड़ दिया था मैंने फिर। क्यों? एक तो टीम बड़ी हो गई थी और काम करने वाले बहुत चीज़ें आ गई थी, तो असिस्टेंट वगैरह आ गए थे तो वो कर लिया करते थे, और काम काफ़ी था, तो फिर मुझे अच्छा लगता है स्विच करना, जॉब स्विच करना। तो अभी इस वक्त क्या है आप? अभी भी क्रिएटिव हेड हूँ मेजरली,
और जिसमें आप टेक्सटाइल को भी देख रही हैं और टेक्सटाइल को भी देख रही हूँ बिल्कुल, और ये वीडियोज जो आप बनाती हैं, फोटोज, पोस्ट प्रोडक्शन, जितने भी काम एस्थेटिक रिलेटेड होते हैं वो सारे मैं ही सुपरवाइज करती हूँ जी। सो व्हाट हैपेंड व्हेन यू गॉट सिक? इनिशियली तो ऑफ कोर्स, और ये कितने साल पहले हुआ था आपको पता चला कि आपको कैंसर? एक साल हुआ है, अभी तो चल रहा है ट्रीटमेंट मेरा। अच्छा, अभी चल रहा है? जी जी जी, अभी चल रहा है। इनिशियली जाहिर है कि शॉकिंग तो होता है। हाँ। तो एक हफ्ता शायद मुझे लगा था आई वॉज अलोन। तो क्या गुजरा था दिमाग से? अकेली थी मैं, और टेस्ट वगैरह जब करवाए तो वो निकल आया, और शानी भी नहीं था पास, और बच्चे सामने थे, उनको बता भी नहीं सक रही थी, और अंदर का मौसम और था, बाहर का और था। बस बार बार ऑफ कोर्स जब भी ऐसा, जो मैं पहले भी बता रही थी कि बच्चों के बाद आपको मौत से डर लगना शुरू हो जाता है कि बच्चों के लिए आप रहें, तो बस यही सोचती कि यार छोटी वाली अभी 5 साल की है, क्या होगा क्या होगा, कितना जीना है, क्या स्टेज है, कुछ आइडिया नहीं था उस वक्त। अभी तो टेस्ट हो रहे होने थे, तभी बहुत इनिशियल हुआ था और अल्ट्रासाउंड वगैरह। फिर खैर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कुछ शानी ने समझाया कि जो होना है वो होना है, उसके लिए आज ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस फिर अपने आप को समझाना शुरू किया, अल्लाह पे बिलीव किया कि अल्लाह ने शायद चूज़ किया था इस चीज़ के लिए, ये एक इम्तिहान है, और आई एम द चोजन वन मेरा ख्याल है, तो इम्तिहान को अच्छे तरीके से पास करना चाहिए, अच्छे नंबरों में पास करना चाहिए। अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जब होती हैं तो आप बहुत वेलकम करते हैं उसको, जब भी थोड़ा सा बुरा होता है तो आप कहते हैं ओ क्यों हो गया मेरे साथ ऐसे, तो मुझे लगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अगर अल्लाह ने आपको कोई इम्तिहान दिया है तो उसमें भी अच्छे नंबरों से पास होना चाहिए, अच्छे तरीके से पेपर करना चाहिए। तो सबसे पहले किससे शेयर किया था? शानी से ही ऑफ कोर्स, बल्कि शानी ही मेरे टेस्ट वगैरह करवा रहा था, कराची में था, मैं लाहौर में थी, हम टर्की में थे दोनों, जब मुझे फील हुआ कि लम्सा है कुछ। हाँ। तो 2 दिन बाद हम आ गए, मैं लाहौर आ गई, वो कराची चला गया, तो बस उधर से कहते रहे जाओ 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 टेस्ट कराओ, फिर मैं गई हूँ टेस्ट कराने, फिर उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए भेज दिया, वहाँ से मुझे पता चल गया कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग ना, वरना उधर से ही मैमोग्राम पे मना कर देते कि नहीं है कुछ, मैमोग्राफ सॉरी। और फिर जब अल्ट्रासाउंड के लिए गई तो वो डॉक्टर्स जो अपनी ज़ुबान में कुछ कहते हैं, तो अब मेरा ध्यान तो बिल्कुल वहीं पे था, तो वो निकलते ही मैंने फिर गूगल किया तो पता चल गया कि देर इज़ समथिंग। बस फिर वो 2-3 दिन के बाद फिर शानी आया, फिर शानी ने सबको बताया इस तरह से, फैमिली को, बहन को। बेटियों को किस तरह बताया था? बेटियों को हमने बता दिया था शुरू में ही, और समझा दिया था कि कोई मसला नहीं है, क्योर हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह वो भी बड़ी बेटी मेरी काफ़ी मैच्योर है, और अच्छा कोऑपरेट किया सब ने बहुत। कैसे बदल दिया इस सिचुएशन ने आपको, इस सानहे ने के? मेरा ख्याल है कि एक नया चैप्टर खुला है ज़िंदगी में, और हर फेज़ में ज़िंदगी के नए नए चैप्टर खुलते रहते हैं, और इंसान की तरक्की होती रहती है। मेरे हिसाब से एक प्रमोशन थी जो अल्लाह की तरफ से आपको मिली है, आप एक स्टेप आगे जाते हैं, आप प्योरीफाई करते हैं अपने आप को, आप अपनी चीज़ें ठीक करते हैं, अपनी गलतियां सुधारते हैं। सो मेरे हिसाब से एक ब्लेसिंग है कि आपको अल्लाह ताला कोई जब तकलीफ़ देता है तो उसमें से जो पॉजिटिविटी निकलती है या जो उसकी अदर साइड है वो देखनी चाहिए। हमेशा आप नेगेटिव साइड पे देखते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव साइड पे देखें तो वो, मेरा ख्याल है कि मुझे अपनी खामियां दूर करने का मौका मिला, और लाइफ डिसिप्लिन करने का मौका मिला। हॉस्पिटल के लिए हम काम कर रहे थे, कैंसर हॉस्पिटल के लिए, उसके लिए मेरी मोटिवेशन और बढ़ी, तो ये उसकी प्लस साइड थी मेरा ख्याल है। तो मतलब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये आप कह रही है कि
غلطیاں اپنی بدل لیں. Why are you saying this? کہ یہ کیا اللہ کے قریب آپ کو لے آیا یہ سانحہ زیادہ, یا آپ کے آپ زیادہ اپنے بچوں میں اپنی بیٹیوں کو ٹائم دینے لگی؟ یا بالکل سب کچھ ہی ہوتا ہے. انسان تو ایک پورا پیکج ہے. اس نے اللہ کے قریب بھی رہنا ہے, اس نے انسانوں کے قریب بھی رہنا ہے, اس نے اپنی ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں, اس نے سب کچھ کرنا ہے. اور آپ نے کام چھوڑا اپنا؟ نہیں نہیں, کام میرا ڈبل ہو گیا بلکہ. جی بلکہ پہلے تو میں اور شانی مل کے کام کرتے تھے موسٹلی, اس کے بعد میں نے پھر انڈیپینڈنٹ پروجیکٹس بھی کیے ماشاء اللہ. اور ساتھ میں آپ کیمو بھی کرا رہی تھیں؟ ساتھ میں سب کچھ, سارا ٹریٹمنٹ بھی چل رہا تھا اور ساتھ میں بچے بھی تھے اور ہر کام کرنا. زیادہ ایکٹیو ہو گئی؟ زیادہ ایکٹیو ہو گئی, پتہ نہیں کیا ہوا. اور شاید میں نے پازیٹیو بھی زیادہ ہو گئی, بہت پازیٹیو. میں نے بس ایک ٹرک تھا میرا کہ میں نے شکر کیا بس ہر اسٹیج پہ. آپ بہت ساری اسٹیجز آتی ہیں, بال اترتے ہیں آپ کی, آئی بروز اتر جاتی ہیں, موٹے ہو جاتے ہیں. تو وہ جب جب یہ چیزیں ہوئیں مجھے کبھی دکھ نہیں ہوا, مجھے بہت مزہ آیا, میں نے بہت انجوائے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چوز کیا اور میں اتنی آسانی سے چیزیں ان چیزوں سے گزر رہی ہوں. تو مجھے اس چیز کی خوشی ہوتی تھی کہ میں اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو امتحان اللہ نے دیا ہے میں اس اچھے طریقے سے گزر رہی ہوں, پاس کر رہی ہوں اس کو. سو